कि भाजपा का यदि आप विरोध कीजिए तो आप बहुत खराब आदमी हैं, लेकिन जो ही आप मोदी मोदी करने लगेगा तभी आप सबसे अच्छा आदमी बन जाएगा। चलिए नीतीश जी को मुबारक हो, नया साथी पुराना साथी सब को मुबारक हो, लेकिन बिहार की जनता से हम यही अपील करना चाहते हैं कि ये भाजपा वाले बिहार का कभी सगा नहीं हो सकते हैं। और ये बात मैं आपको याद दिला रहा हूँ, बिहार के लोगों के साथ जब कहीं मारपीट की जाती है तो ये संयोग का बात नहीं है कि वहाँ बीजेपी की ही सरकार होती है। जब दिल्ली में भाजपा की सरकार थी तो भाजपा के एक मंत्री हैं विजय गोयल जी ने कहा कि बिहारी लोग आकर के दिल्ली को गंदा कर देता है तो साफ कौन करता है, आपके चचा जान करते हैं साफ, साफ सफाई का काम कौन करता है, ठेला कौन चलाता है, रिक्शा कौन चलाता है, मेहनत मजदूरी कौन करता है, किसके भरोसे चल रहा है यह देश? बिहारियों के खून पसीने के मेहनत के भरोसे चल रहा है यह देश। बात मैं उनको बताना चाहता हूँ, जब गुजरात और बिहार के लोगों के ऊपर मारपीट होती है तो भाजपा के का ही शासन है वहां पे, भाजपा की ही सरकार है। अरे चुरा दही राय 14 तारीख से शुरू हो कहीं एक सब भजपैया हम दही देंगे, एक भी शब्द न गुजरात के मुख्यमंत्री के द्वारा बोला गया, न देश के प्रधानमंत्री के द्वारा बोला गया और न ही अमित शाह के द्वारा बोला गया। और अमित शाह की बात कर रहे थे, बड़ा मजेदार चीज आ गया है, अमित शाह जी को भी एक बुखार हो गया है, अंग्रेजी में उसको कहते हैं स्वाइन फ्लू और हिंदी में उसका मतलब होता है सुअर का बुखार। हम अमित शाह को सुअर नहीं दे रहे हैं, गलत बात ऐसे नहीं, उस बुखार का नाम है स्वाइन फ्लू जिसको हिंदी में कहते हैं सुअर का बुखार। तो कोई कांग्रेस का नेता कह दिया और एक और देश के युवा नेता है उन्होंने कहा कि डॉक्टर परेशान है देश को बचाए की दंगाई को अनुरोध है कि राष्ट्रहित का ध्यान रखा जाए। उसके बाद कुछ पत्रकार हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि अमित शाह जी के बारे में अब शब्द कहा गया है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मन में हम ये सोचिए कि इनके लिए दुनिया में अपशब्द बना ही नहीं है। अगर किसी को अमित शाह आप कह दीजिए ये अपने आप में अपशब्द है। जैसे अगर आपको किसी पे गुस्सा आए, कोई बच्चा बहुत बदमाशी करे तो उसको आप कह दे अमित शाह की तरह मत करो, ये अपने आप में काफी है, उनके लिए कोई अपशब्द कहने की जरूरत नहीं है। और इनको बड़ी चिंता होती है जब कोई अमित शाह के लिए कुछ कहे, मोदी जी के लिए कुछ कहे तो मीडिया एकदम रुदाली बन जाती है, दिन रात उसके आंख से आंसू निकलने लगता है, पेट में ऐसा मरोड़ मारता है कि क्या बताएं आपको, बड़ा दर्द करता है। लेकिन उस वक्त ये लोग चुप्पी साध लेते हैं जब अमित शाह ने कहा था कि मोदी जी की आंधी और तूफान से डर करके सारा विपक्ष जिसको सांप नेवला चूहा कहते कि नहीं कहते, पूरा का पूरा विपक्ष को सांप चूहा नेवला बोले थे कि नहीं बोले थे? तो आप कहें तो ठीक, आपको कहें तो खराब। मैं कहता हूं कि राजनीति में भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन आपको हम कहें मोदी जी और आप हमारे पूर्व मुख्यमंत्री को कहें ललुआ, ये ठीक बात है? ये जरा हमको सोच के बता दीजिए। आपको हम इज्जत से बोले और आप हमको बेइज्जती करके बोले तो क्या कीजिएगा? कहते हैं ना समर्थ को नहीं दोष दुसाएंगे, जिसके पास 283 का प्रचंड बहुमत हो वो तो कुछ भी बोल सकता है, जो मुंह में आए वो बोलेगा, उस पर कौन सवाल पूछता है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि यह सरकार जब से जीत करके आई है 2014 से लेकर के 2019 के बीच में इन्होंने कितने कारनामे किए हैं, इस बात को आप याद कीजिए।
इनके जो कुछ प्रमुख कारनामे हैं उसका मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। सबसे पहले जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो देश की जनता के बीच में यह फैलाया गया कि मोदी जी बहुत गरीब आदमी हैं, मोदी जी चाय बेचते थे, मोदी जी अपनी मेहनत से भाजपा के सबसे बड़े नेता बने हैं, इसीलिए गरीब आदमी का बेटा ही गरीब का दर्द समझ सकता है, यह बात फैलाई गई। देश की गरीब जनता को लगा कि गरीब का बेटा है, गरीब का भला करेगा, इसीलिए लोगों ने तय किया कि इसको ही इस देश का हम चौकीदार बनाएंगे। चौकीदार हिंदी शब्द है, चौकीदार को अंग्रेजी में कहते हैं गेट कीपर। देश की गरीब जनता ये सोच करके इनको वोट दी कि ये हमारी रक्षा करेंगे, हमारी चौकीदारी करेंगे, हमारे गेट के कीपर बनेंगे। लेकिन मजेदार बात ये है कि ये आपके गेट के कीपर नहीं बने, ये अंबानी और अदानी के दरबान जाकर के बन गए। और ये बात मैं कैसे कह रहा हूं, याद कीजिए जब नोटबंदी की जा रही थी, रात को मोदी जी का भाषण आया था और मोदी जी ने नोटबंदी करते हुए कहा कि भाइयों बहनों अब सब काला धन वापस आ जाएगा। तो लोगों को लगा कि बड़ा अच्छा बात है, काला धन यदि वापस आ जाए तो क्या दिक्कत है। और कहानी चलना शुरू हो गया, बलिया में भी कहानी चला होगा कि पोखरिया में 3 बोरा रुपया फेंका हुआ मिला है, तो फलना नदी में रुपया फेंका हुआ मिला है। एक बात हम तो आप ईमानदारी से बताइए कि बलिया का, बेगूसराय का, बकरी का, बछवारा का कोई करोड़पति आदमी आपके साथ बैंक में लाइन लग करके 1000 रुपया बदलने के लिए खड़ा हुआ था? कैसे, क्यों नहीं खड़ा हुआ था? और तोरा के फ्री में 2000 रुपया रहो, ओकरा बदले तो बेकल भ गया, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन लाइन में लगल रह, एक मुँह पकड़ रहा मन ओकरा मुँह धर रहा, रे नुनू हमारे 2000 रुपया बदल दे, रे नुनू हमारे 4000 रुपया बदल दे। तो एक लाखों करोड़ों रुपया केना बदल रहे, ये भाजपाइए बदल दे। एक उदाहरण हम बतबे, नोटबंदी से ठीक पहले बेगूसराय भाजपा के लोगों ने एक जमीन का धुरफंदी किया है, वो मामला अभी चल रहा है, बेगूसराय का मामला है। और जितना नेता है ये सब, सबको मालूम था कि नोट बंद होने वाला है, धड़ाधड़ लोग जमीन खरीदना शुरू किया होने पौने दाम पर। आई पूरा जो आपको बलिया से बेगूसराय रोड जाता है, देख लीजिए पौने दाम पर जमीन खरीदा है, खरीदा है इन्हें छेद में। ये है सच्चाई, गरीब जनता के आंख में धूल झोंको, उसका पैसा वसूलो और अमीर लोगों के खाते में जमा करो। सब लोगों को लगा कि 2-4 दिन कष्ट होगा, क्या दिक्कत है, सारा भ्रष्टाचार का पैसा यदि बैंक में जमा हो जाएगा तो गरीब जनता का विकास होगा। इस उम्मीद में लोग लाइन में लग गए और लाइन में लगने के चलते 100 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। बैंक के कर्मचारी साहब रात रात भर पैसा गिनव कर रहे हैं और उसका कुल नतीजा क्या हुआ, कुल नतीजा ये हुआ कि कोई काला धन वापस नहीं आया। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, देश का सबसे बड़ा बैंक जिसको बैंकों का बैंक कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि सारा पुराना नोट वापस जमा हो गया है। हे मोदी जी, काला धन कहाँ गया, ये सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या हुआ काले धन का? फिर भी यदि आप कहते हैं, फिर भी यदि आप झूठ बोलते हैं, झूठ का नाम नहीं है, झूठ तो मैंने की कही हो, झूठ का हालत ही है कि सामने से मोदी जी और झूठ रास्ता में टकराए जाती तो जना भाव में ल जाए जाए भैंसू केना घोघा दिन चल जाए, केना ये आदमी झूठ बोले, मैंने झूठे अगर धंधे एक काम झूठ बोलना है। लाल किला से खड़ा होकर के प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 लाख करोड़ काला धन वापस आया है। हे परमात्मा, हे विधाता,
अगर 3 लाख करोड़ काला धन वापस आया है तो हमारे खाते में 15 लाख रुपए क्यों नहीं आया है, ये सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। क्या हुआ 15 लाख रुपए का वादा, क्यों नहीं हमारे खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाया गया है? कोई काला धन वापस नहीं आया है। आपका 2000, 4000, 5000, 10000, 20000 जितना रुपया था उसको बैंक में जमा करा दिया गया और आपका पैसा इस देश के पूंजीपतियों के ऊपर लुटा दिया गया। और मोदी जी का दोस्त नीरव मोदी 35000 करोड़ रुपया लेकर के देश छोड़कर के भाग गया। नीरव मोदी 35000 करोड़ रुपया लेकर के देश छोड़कर के भाग जाता है, इसकी चिंता सरकार को नहीं है। लेकिन इसकी चिंता हो रही है कि जेएनयू के कुछ विद्यार्थी ने नारेबाजी की है। अरे इसमें क्या है, अगर जेएनयू के विद्यार्थी ने नारेबाजी की है तो उसको पकड़िए, उसको पकड़ करके जेल में डालिए। ये दिन रात टीवी स्टूडियो में बैठ करके तमाशा क्यों बना रहे हैं उसे? अगर लगता है आपको कि हमने कुछ गलत किया है, 24 घंटे हमारे साथ पुलिस रहती है, जब मन करे तब हथकड़ी लगा करके जेल में बंद कर दीजिए। सबूत है तो न्यायालय में प्रस्तुत कीजिए, न्यायालय दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। लेकिन आप ये नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, अपने चापलूस पत्रकारों से इस पे एक बवाल खड़ा करेंगे, मीडिया में बहस करवाएंगे ताकि जनता इस बहस के बीच में यह भूल जाए कि नोटबंदी के बाद इस देश में 1 करोड़ 15 लाख लोगों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी, 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इस सवाल को आप भुला देना चाहते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? इस देश में अगर कोई कानून तोड़ता है तो कानून की रक्षा करने के लिए हमारे पास पुलिस है और उस कानून से संबंधित व्यवस्था देने के लिए, निर्णय देने के लिए, फैसला देने के लिए हमारे पास न्यायालय है। जब कोर्ट है ही, पुलिस है ही, तो भाजपाई सबको एड़ी उचका उचका के भाषण देने का क्या जरूरी है? क्या है इसका मतलब? इस बात को आप समझिए, इसका मतलब ये है कि इस देश में कानून की जो हकीकत है उसको आप अच्छे से जानते हैं। एक सवाल आप हमको बताइए ईमानदारी से सोच करके कि अगर आप गरीब आदमी हैं, आपके साथ कोई अत्याचार हुआ है, तो आपको न्याय मिलने में वक्त लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन अगर कोई ताकतवर आदमी है तो पैसे के दम पर वो पूरे के पूरे कानूनी व्यवस्था को अपने पॉकेट में रखने का काम करता है कि नहीं करता है? इसके ताजा उदाहरण हम आपको बताते हैं। दारू बंद है ना, नीतीश जी की कृपा से दारू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? होम डिलीवरी जिंदाबाद, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये कानून के साथ अन्याय है कि नहीं है? ये कानून का मजाक है कि नहीं है? बिहार के आदमी को ज्यादा कानून कानून सिखाने का जरूरत नहीं है, वो बहुत अच्छे से कानून समझते हैं। उनको मालूम है कि जो ताकतवर लोग हैं वो कानून का किस तरीके से दुरुपयोग करते हैं और जो कमजोर लोग हैं किस तरीके से उसको कानूनी रूप से, सामाजिक रूप से सताया जाता है, प्रताड़ित किया जा रहा है, इसको सिखाने की जरूरत नहीं है। एक बात हमको बता दीजिए, हमारा बाबूजी होते बड़का मिनिस्टर, हमारा मौसा होता बड़का रंगबाज, हमारा नाम होता कन्हैया मोदी या कन्हैया अंबानी, तो कोई भाजपाई हमको देशद्रोही कहता? यस बॉस, जी गुरु जी, जिंदाबाद, करना होता कि नहीं करना होता? इसको मालूम है, इसको मालूम है कि हम साधारण आदमी हैं, साधारण परिवार में पैदा हुए हैं। मेरी माँ आंगनबाड़ी में काम करती है, 3000 रुपया उसको तनख्वाह मिलता है, तो कितना उछल लिए। लोग कहते हैं ना कि मुल्ला दौर मस्जिद का, कितना दूर हम चले गए, क्या कर रहे हैं? इसीलिए इन्होंने साजिश के तहत ये पूरा का पूरा मामला रचा और जो काम हमने किया ही नहीं उस काम का हमको अपराधी बनाने का काम किया। फिर भी हम ठोक करके कहते हैं ये आपकी मोहब्बत है, ये आपका साथ है, ये आपका समर्थन है कि उसके ताकत से, उसके हिम्मत से हम बोलते हैं कि ए भाजपा वालों, इस देश में तुम्हारी सरकार है, हम तुमको चैलेंज करते हैं, पहले भी चैलेंज करते थे, है हिम्मत तो